हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इम्पोर्टेंट सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि TLM क्या होता है, और इंग्लिश पेडागॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जहां भी आपका TLM पूछा जाता है इंग्लिश के अंदर, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। हम लोग यहाँ पे थ्योरी को कवर करेंगे, TLM के टाइप वगैरह को देखेंगे, और उसके बाद हम पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये वीडियो जो है टारगेट पूरी तरीके से किसको कर रहा है, जो टीचिंग एग्जाम है सीटेट एंड एमपीटेट को, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सारी चीजें यहाँ पे ऐड की है। पूरी वीडियो जरूर देखना, एंड नोट्स एंड PDFs के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं PDF शेयर करूंगी। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम ग्रुप से। ओके, तो फाइनली शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। TLM के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी कहते हैं, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसे टीचर अपनी टीचिंग में यूज करता है, और जो भी इफेक्टिवनेस अपने क्लासरूम को बनाने के लिए या अपने क्लासरूम को बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए टीचर कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करता है, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। बेसिकली किसी भी टीचर के द्वारा लर्निंग को इनहांस करने के लिए और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर कुछ मटेरियल का यूज करता है व्हाइल टीचिंग, तो उसे हम TLM कहते हैं, और इन्हें हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी कहते हैं। तो नाम याद रखना कि TLM को हम इंस्ट्रक्शनल एड्स या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी कहते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है, और जस्ट आपको बेसिक इसको पढ़ लेना है, ठीक है, आपको बहुत याद नहीं करना है, आपको जस्ट बेसिक इनको जानना है, क्योंकि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आता है सीटेट में, इजी ही आएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले है पर्पस क्या है टीचिंग एड को यूज करने का। सबसे पहले तो इनहांस करता है लर्निंग को। आप कोई भी चीज सिखा रहे हैं, अगर आप वो TLM से सिखाएंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, लर्निंग को अच्छा करेगा क्लासरूम के अंदर। आपकी टीचिंग लर्निंग जो है वो बहुत इफेक्टिव बनेगी उससे जो कि यूज नहीं कर रहा है। ओके, TLM आल्सो हेल्प लर्नर्स अचीव द लर्निंग आउटकम्स आफ्टर क्लासरूम टीचिंग लर्निंग। TLM मदद करता है क्या, बच्चों को भी अपने लर्निंग आउटकम को अचीव करने में। यानी कि अगर आप कोई चीज सिखाना चाहते हैं, अगर आप TLM का यूज करके कोई भी कंसेप्ट को सिखा रहे हैं, तो वहां पे बच्चों की जो लर्निंग है वो भी इनहांस होती है, उन्हें भी एक आउटकम मिलता है। ओके, नेक्स्ट है, सम ऑफ द रीजंस टू यूज TLM इन द क्लासरूम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो TLM टीचर इफेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को यूज कर रहा है, तो उसका क्या रीजन होता है। फर्स्ट वन इज टू मोटिवेट लर्नर्स। आप लर्नर्स को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप यही है बच्चों का अटेंशन पाने के लिए कि आप एक TLM क्लास में ले जाएं। मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक सिखा रहे हैं, और अगर आप वहां पे, मान लीजिए आपको प्लांट सिखाना है, प्लांट्स के आपको पार्ट सिखाने हैं, और आप एक प्लांट जो है असली प्लांट गार्डन से उठा के ले गए और आपने बच्चों को क्लासरूम में दिखाया, तो वहां सारे बच्चों का अटेंशन जो है वो उस प्लांट पे जाएगा। तो बच्चों को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा एक वे प्रोवाइड करता है टीचर्स को, ठीक है। अगर बच्चे मोटिवेट होते हैं तो क्यूरियस भी होते हैं नई चीजों को सीखने में, तो TLM बहुत मदद करता है बच्चों को एक स्टिमुलस प्रोवाइड करने में, या फिर मोस्ट इफेक्टिव बनाने में किसी भी क्लासरूम को, बच्चों को क्यूरियस बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज, सेकेंड पॉइंट आता है कि टू हेल्प इन लॉन्गर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो मटेरियल है उसका यूज कर रहे हैं, तो बच्चों का जो एक सेंसेस है वो वहां पे डेवलप होती है। बच्चे देखते हैं और आप जो कहेंगे उनको सुनेंगे, उसको फील करेंगे, टच करेंगे, तो उनके सेंसेस ज्यादा डेवलप होते हैं यहाँ पे, और जो उनके ऑडिटरी या जो विजुअल सेंसेस है, तो ये हेल्प करता है बच्चों को जो भी इंफॉर्मेशन है, जो ज्ञान है, उसको लंबे समय तक बचा के रखने के लिए। बच्चे जल्दी भूलते नहीं है अगर वो TLM के यूज से कुछ भी सीख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट होलिस्टिक लर्निंग। ये होलिस्टिक लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। आपने ब्लूम टेक्सोनोमी जरूर पढ़ा होगा। जब हम TLM का यूज करते हैं तो ये हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो हमारा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो अफेक्टिव डोमेन में ऑब्जेक्टिव हो, या वो साइकोमोटर हो,
तीनों चीजों को, तीनों जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने में टीएलएम बहुत हद तक एक टीचर की सहायता करता है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे बच्चों को मिलते हैं, सीखने के अवसर मिलते हैं और उनके सेंसेस बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट भी यहाँ हो सकता है, होलिस्टिक कहा गया है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम टीचिंग। बहुत अच्छा है कि एक फायदा ये है टीएलएम का, अगर आप टीएलएम का यूज कर रहे हैं तो आप अपनी क्लासरूम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कहीं ना कहीं उनका फोकस टीएलएम की तरफ होता है, उनका जो ध्यान है वो अटेंशन हटता नहीं है, बच्चे इनडिसिप्लिन नहीं होते हैं, इस रीजन से एक टीचर ऑर्गेनाइज कर सकता है क्लास को बहुत अच्छे से। आप अगर टीएलएम प्रेजेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि सीक्वेंशली उसको बच्चे देखें, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने में क्लासरूम टीचिंग को या फिर जो भी जो हमारे कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जब भी आप बच्चों से मान लो कि वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या विजुअल कर रहे हैं, तो उसमें जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो उनकी कमियां हैं, उनको दूर करता है टीएलएम। ठीक है, तो टीएलएम क्या है, एक इफेक्टिव साधन है जो कि बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स जो आ रहे हैं वाइल्ड क्लासरूम टीचिंग उनको दूर करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है टीएलएम की। आइए देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं टीएलएम में होनी चाहिए। फर्स्ट है कि उसे मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, मतलब अर्थपूर्ण होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण उसके अंदर होना चाहिए। आप कोई भी टीएलएम अगर क्लास में लेके जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप टीएलएम से सिखाना चाहते हैं, तो आपका मीनिंग क्या है, क्या उसका एक मीनिंग है, क्यों आप उसको ले जा रहे हैं, क्या पर्पस है, वो होना चाहिए। सेकेंड है, इट शुड बी एक्यूरेट इन एवरी रिस्पेक्ट, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि आप जो है जो टॉपिक पढ़ाने गए आप उससे डिफरेंट कुछ लेके चले गए, तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो चीज वही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ठीक है, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। हम यहाँ पे लो कॉस्ट टीएलएम की बात करते हैं, लो कॉस्ट टीएलएम का ज्यादा से ज्यादा यूज टीचर को करना चाहिए, यानी कि जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे बने हुए टीएलएम का अगर आप यूज करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो कहा गया है कि भाई उसको क्या होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए टीएलएम को। नेक्स्ट है, दे शुड बी लार्ज इनफ टू प्रॉपरली सीन बाय द स्टूडेंट फॉर हुम दे आर मेंट, मतलब कि टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है जो भी आप ले जा रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए, इतने बड़े होने चाहिए कि बच्चा दूर अगर लास्ट बेंच पे भी बैठा है तो उसको वो इजिली क्या हो, विजिबल हो, तो एक विजुअल होना चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट है, अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि आप पुराने टीएलएम लेके चले गए, अप टू डेट का मतलब है कि आजकल के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए जो आजकल हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है इसके अकॉर्डिंग हमारा टीएलएम होना चाहिए। नेक्स्ट है, पोर्टेबल होना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप उसे ले जा सके, ठीक है, वो कन्वीनियंट होना चाहिए लाने ले जाने में, पोर्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है, दे शुड बी अप्रोप्रिएट टू द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है टीएलएम की, कि बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिस क्लास का बच्चा है उस एज के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, रेंज के अकॉर्डिंग, कवरेज के अकॉर्डिंग और प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंग आपको टीएलएम को सिलेक्ट करना चाहिए, उनका मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही आप टीएलएम को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, दे शुड मोटिवेट द लर्नर्स, टीएलएम कैसा होना चाहिए, जो बच्चों को अभी प्रेरित करे, उनको एक तरह से क्यूरोसिटी को डेवलप करे, ठीक है, तो ये सारे एक एट्रीब्यूट होने चाहिए अच्छे टीएलएम, अच्छे टीचिंग एड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये सारा का सारा कंक्लूड हमने कर दिया है कि टीएलएम के क्या फायदे होते हैं, आप फटाफट से इसको पढ़ सकते हो, मोटिवेट करने के लिए लर्नर्स को, ये हमने पढ़ लिया। रिटेंशन करता है इन्फॉर्मेशन को, काफी लंबे समय तक रिटेंशन करके रखता है, बच्चे भूलते नहीं है। होलिस्टिक लर्निंग को डेवलप करता है, क्लासरूम टीचिंग को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, एटीट्यूड को चेंज करने में मदद करता है बच्चों के, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को यहाँ पे बढ़ाता है, ठीक है। अगर टीएलएम से बच्चे ने कुछ सीखा है, एड से आप सिखा रहे हैं तो वहां पे वो प्रैक्टिकली भी उस चीज को करके देखता है, ठीक है। लर्निंग को फन बनाने के लिए, अच्छा एंजॉयबल बनाने के लिए और कंसेप्ट को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सारे क्या है, एक फायदा है टीएलएम का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब हम कुछ टाइप्स ऑफ टीएलएम को कवर करेंगे, कौन कौन से टीएलएम के प्रकार होते हैं, टीचिंग लर्निंग के जो भी हमारे प्रकार हैं, ठीक है। तो देखो गाइज, हम लोग इसमें बहुत डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें बहुत अंदर नहीं पूछता है, ठीक है, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हम जस्ट इनको बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो टीएलएम को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। ऑडियो मतलब आपका श्रवण सुनना, जिसमें केवल और केवल
एक सुनना होता है, विजुअल जिसमें आपका देखना होता है, और ऑडियो विजुअल जिसमें आप सुन भी सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, सुनना और देखना जो है दोनों आता है। अब देखो, विजुअल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड में। प्रोजेक्टेड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है स्टिल, एक होता है मूविंग पिक्चर विदाउट ऑडियो। ठीक है, जहां पे पिक्चर चल रही है लेकिन ऑडियो नहीं है। और नॉन प्रोजेक्टेड जो विजुअल होते हैं उसमें हमारा टू डायमेंशनल, जो भी हमारे 2D एड होता है, 2D एड और 3D एड आता है। ठीक है, तो आइए इनको डिस्कस करते हैं कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑडियो एड। ऑडियो एड जो है, जैसे कि आपको पता है कि ये किसको स्टिमुलेट करते हैं, किसको बढ़ावा देते हैं, बच्चों की हियरिंग सेंस को। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का जो सुनना कौशल है, जो हियरिंग सेंस है, वो यहाँ पे बच्चों का डेवलप होता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, ह्यूमन वॉइस आ सकता है। जैसे ह्यूमन वॉइस में क्या होगा, बच्चे कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे की आवाज सुन रहे हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकता है, ऑडियो डिस्क टेप हो सकता है, ऑडियो टेप, ग्रामोफोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामोफोन। एक आता है जिसको हम कहते हैं लिंगवा फोन। ठीक है, ये भी याद रखना, लिंगवा फोन होता है, ग्रामोफोन होता है, जो भी रिकॉर्डिंग्स है, ऑडियो है और ब्रॉडकास्ट है, जो भी हमारे सुनने से संबंधित है, जहां पे बच्चा केवल सुनता है, वो ऑडियो एड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं विजुअल। विजुअल मतलब जो केवल देखना हो, जहां पे सुनना ना हो, केवल देखना शामिल होता है। तो ये विजन के सेंस को बढ़ावा देता है, किसको, बच्चों के जो एक देखने की क्षमता है, विजन, उनको बढ़ाता है। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन से आते हैं देखो, अगर हम प्रिंट की बात करें, प्रिंट मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंट मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा, याद रखना, प्रिंट मटेरियल में, विजुअल में, प्रिंट में क्या आता है, जिसमें टेक्स्ट बुक है हमारा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, सप्लीमेंट्री बुक है, कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी बुक जो बच्चा पढ़ रहा हो सब्जेक्ट रिगार्डिंग, तो बुक, सप्लीमेंट बुक, रेफरेंस बुक, इनसाइक्लोपीडिया, मैगजीन हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, डॉक्यूमेंट है, कोई क्लिप है, कोई रिटन मटेरियल है, ठीक है, प्रोग्राम मटेरियल है, या केस स्टडी रिपोर्ट है, जो भी चीजें हैं, ये सारे विजुअल के अंदर आते हैं। जो आपके प्रिंट मटेरियल जितने भी आते हैं, ये हमारे विजुअल का पार्ट होता है। आगे देखते हैं, विजुअल में हमारे दो और टाइप आते हैं, एक होता है नॉन प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो नॉन प्रोजेक्टेड में दो टाइप हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं दोबारा चलती हूँ। विजुअल में नॉन प्रोजेक्टेड की जब हम बात करते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड में दो टाइप आते हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। तो आइए देखते हैं 2D 3D में कौन से आएंगे। जब हम टू डायमेंशनल की बात करते हैं, 2D की बात करते हैं, तो 2D में वो TLM आते हैं जहां पे आप कोई इमेज या कोई पिक्चर दिखा रहे हो। ठीक है, मतलब क्या आएगा यहाँ पे, या तो इमेज आएगी या कोई पिक्चर आएगा, जैसे चार्ट, कोई ड्राइंग हो गया, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ब्लैक बोर्ड से आप पढ़ा रहे हैं, ड्राइंग से, चार्ट से, पोस्टर, मैप, डायग्राम, ग्राफ, फोटोग्राफ, कार्टून, कॉमिक स्ट्रिप्स, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, इमेज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इमेज या कोई भी पिक्चर है। ओके, और दूसरा क्या है नॉन प्रोजेक्टेड में, नॉन प्रोजेक्टेड 3D, जिसमें 3D आपके, जो भी 3D आपके मटेरियल है, 3D क्या होते हैं, जो रियल ऑब्जेक्ट को दिखाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रियल ऑब्जेक्ट को अगर आपको दिखाना है, कोई भी रियल चीज को आप एज इट इज उसका एक कहते हैं कि आइटम दिखाना चाहते हो, तो वहां पे हम 3D का यूज करते हैं। जैसे कि मॉडल, आपको अर्थ बताना है, तो आप अर्थ का एक क्या लेके चले गए, मॉडल लेके चले गए। ठीक है, मॉडल हो गया आपका, एक होता है डायोरमा, एक होता है ग्लोब, रिलीफ मैप, स्पीसमैन, पपेट हो गया, पपेट दिखाते हैं हम, तो ये क्या है हमारे 3D है। ठीक है, जैसे कि मॉडल है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, आपको मॉडल याद रखना है, ग्लोब याद रखना है, और यहाँ पे आपको तीन चीज है, पपेट याद रखना है, ये तीन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3D के अंदर। तो ये हमारे विजुअल में आते हैं, और विजुअल में किस में आते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड एड में आते हैं। अब आता है विजुअल में प्रोजेक्टेड बट स्टिल। अब विजुअल में प्रोजेक्टेड एड जो थे, अभी तक हम नॉन प्रोजेक्टेड डिस्कस कर रहे थे, ये है प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एड क्या है, जहां पे आप इमेजेस को प्रोजेक्ट कर देते हो, किसी भी स्क्रीन पे आप इमेज को दिखाते हो। ठीक है, तो वहां पर हम यहाँ पे इनको किसमें यूज करते हैं, विजुअल में, इनको केवल बच्चा देख सकता है। ठीक है, केवल देख सकता है, यहाँ पे कोई ऑडियो नहीं होती। ठीक है, जैसे कि स्लाइड है, कोई स्लाइड चल रही है तो आप दिखा रहे हो, फिल्म स्ट्रिप हो गया, या ओवरहेड प्रोजेक्टर जैसे OHP कहते हैं,
ठीक है, मैक्रोफिल्म, माइक्रोकार्ड, ये सब हमारे क्या है, प्रोजेक्टेड हेड में आते हैं जो कि स्टिल होते हैं, ठीक है, जो कि स्टिल होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑडियो विजुअल एड। अब देखो ऑडियो विजुअल एड क्या है, जहां पे बच्चा देख भी सकता है और सुन भी सकता है दोनों, ठीक है, जहां पे देखना और सुनना दोनों आ जाएगा, तो बोथ ऑडिटरी और जो विजुअल सेंस है वो यहाँ पे लर्निंग को इनहेंस करते हैं। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि ये जो है बिल्कुल रियल एक सेंस को दिखाते हैं, मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं क्योंकि बच्चा देख भी रहा है और सुन भी रहा है एक ही टाइम पे। इसमें क्या क्या आता है, अब इसमें देखो जो जो चीजें आती हैं उनके जस्ट आपको नेम याद रखने, मोशन पिक्चर्स इसमें आ जाते हैं, मोशन पिक्चर फिल्म है, टेलीविजन हो गया, वीडियो डिस्क आप दिखा रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन है, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर्स, सब कुछ जो है ऑडियो विजुअल में आ जाता है, जहां पे बच्चा देख भी रहा है और सुन भी रहा है। ओके, तो ये हमारी कुछ कैटेगरीज थी टीएलएम की जिसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो सारे ये जो कैटेगरीज है ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल, इनको आपको याद ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, अब हम देखेंगे कुछ और दो पॉइंट, एक होता है रीलिया और एक है टेक्स्ट बुक। इन दोनों से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऐड किया है। रीलिया का यूज हम इंग्लिश में करते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे रियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका यूज आप क्लासरूम टीचिंग में करा रहे हैं, जो कि रियल है, हमारी एवरीडे लाइफ से एसोसिएटेड या संबंधित होते हैं, उनको जब आप क्लासरूम में यूज करते हो तो वो रीलिया होता है। मतलब कि आप रियल ऑब्जेक्ट को लेकर के आ गए, एज टीचिंग एड आप उनको सिखा रहे हो, ठीक है, तो वो रीलिया होता है। रीलिया में क्या क्या आ जा सकता है, आप कोई कॉइन लेके चले गए, सिक्का, न्यूज़पेपर लेके चले गए, आप मैप लेके चले गए, टिकट्स लेके चले गए, फ्रूट, वेजिटेबल्स, जो भी रियल है, ठीक है, जितना भी रियल है हमारे डेली लाइफ से, उनको जब आप ले जाते हो, तो ये क्या है कि इनको क्लास में ले जाने का एक फायदा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं क्लासरूम को, रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं ये, और एक्यूरेट लर्निंग है, रियलिस्टिक लर्निंग है, यहाँ पे बच्चों का इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, एनकरेजमेंट मिलता है बच्चों के इंटरेक्शन को बढ़ाने में, और जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, मान लीजिए आपके क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, इन सबको केटर करता है, क्योंकि रीलिया जो है बहुत इफेक्टिव एड माने जाते हैं अगर आप रियल चीजें ले जाओ तो। रियल चीजें होती है रीलिया का मतलब, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। अब चलते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं टेक्स्ट बुक क्या है। हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक टूल की तरह काम करता है, एक रिसोर्स की तरह काम करता है, जो कि टीचर यूज कर रहा है, स्टूडेंट यूज कर रहा है, और ये लर्निंग को क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक एक तरह से फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए टेक्स्ट बुक के अंदर, वो आपको याद रखना है। फर्स्ट है कि उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब ये है कि किसी भी कंसेप्ट को समझने में उसमें एक तरीके से वो हेल्प वाला होना चाहिए, उसके अंदर एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है, जो इनपुट प्रोवाइड करे बच्चों को। इनपुट कैसे प्रोवाइड करेगा, आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज बुक में कराते हो, आप उनको रीडिंग के मौके दे रहे हैं, एक टीचर हेल्प कर रहा है बच्चों को टेक्स्ट बुक से, तो टेक्स्ट बुक क्या करते हैं, एक हेल्प देते हैं, तो उसे हम कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहते हैं, जो कि उनकी लर्निंग को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है कि जो भी टेक्स्ट बुक में मटेरियल होगा वो क्या होगा, बच्चों की आयु के अनुसार होगा, यानी एज अप्रोप्रिएट मटेरियल की बात की गई। सब्जेक्ट मैटर एडुकेट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, यानी कि आधा अधूरा मैटर ही दिया हुआ है बुक में, तो एकदम निश्चित होना चाहिए मैटर जो भी चीजें हैं, ठीक है। सूटेबल लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत लैंग्वेज अच्छी नहीं है, लैंग्वेज जो है उपयुक्त होनी चाहिए बच्चों के एज के अकॉर्डिंग। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ही ज्यादा टफ लैंग्वेज बुक के अंदर दे रखी है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, या फिर लैंग्वेज का फॉन्ट बहुत छोटा है, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा क्या लिखा है, तो लैंग्वेज जो है सूटेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर इंटरेस्टिंग होनी चाहिए बुक को, सबको पता है, आपको मालूम है कि बुक को अच्छा होना चाहिए, पेजेस अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस एंड डिफरेंट एग्जांपल्स होने चाहिए। लास्ट आता है कि एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी उसमें हो, उसमें शब्दों का उपयुक्त चयन होना चाहिए, शब्द एकदम एज के अकॉर्डिंग या बच्चे जिस लेवल में है उसके अकॉर्डिंग उनका जो है वोकैबुलरी होना चाहिए, और उसमें गलतियां कम होनी चाहिए, मिस्टेक्स, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स होना चाहिए बुक्स को। तो ये सब बेसिक बातें हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। आइए देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, देखते हैं क्या क्वेश्चन है और यहाँ पे आप कितने कर पाते हो। और मैंने पहले भी बोला था कि आप बेसिक भी इनका पढ़ लोगे तो आप इजिली क्वेश्चन कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि टीएलएम शुड बी यूज बाय टीचर्स एज इट, टीचर्स के द्वारा टीएलएम यूज करना चाहिए क्यों, ठीक है। एज इट इज मोटिवेट्स लर्नर्स टू फर्दर प्रिपेयर सच मटेरियल एट होम, सप्लीमेंट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स मेंटली टू सिट इन द क्लास, या फिर इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो टीएलएम शुड बी यूज बाय टीचर एज इट्स सप्लीमेंट्स, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या है कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सप्लीमेंट देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, ओके। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है यूजिंग रीलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, रीलिया का मतलब क्या है कि आप क्लासरूम में क्या लेके आओगे। फर्स्ट है रियल लाइफ सिचुएशंस टू कम्युनिकेट, रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर द लर्नर्स, या फिर रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स। तो हमने रीलिया का क्या डिस्कस किया कि रियल ऑब्जेक्ट्स को आप एज ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल अपने टीचिंग में आप यूज करेंगे। सो बी बी इसका राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, लैंग्वेज लेबोरेटरी जो होती है उसका डिसएडवांटेज क्या है। स्टूडेंट्स डिटेक्ट एरर देमसेल्फ्स, लर्निंग एट ओन पेस, स्कोप फॉर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, या फिर एक्टिव लिसनर एंड स्पीकर। तो डिसएडवांटेज इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लैंग्वेज लेबोरेटरी जो होती है वो सबसे ज्यादा हेल्प करती है बच्चे की स्पीकिंग को अच्छा करने में, एज वेल एज स्पीकिंग है तो लिसनिंग भी होगी, ठीक है। तो लिसनिंग स्पीकिंग में ज्यादा हेल्प करती है, तो कहीं ना कहीं रीडिंग और राइटिंग जो है वो नहीं हो पाता, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन फोर देखेंगे कि टीचर जो है क्लास सेवेंथ में उसने बच्चों से कहा कि भाई आप एटलीस्ट दो या तीन ऑब्जेक्ट घर से लेके आएंगे, उसके बाद एक्सचेंज करेंगे आपस में उन सारे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद आप उनसे 10 सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। तो आपको बताने कि ये जो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स नोन एज इन द लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग मटेरियल, समझ गए आप क्या है। आप थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ना, मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूँ। देखो सेवेंथ क्लास के बच्चे को कहा गया कि आप दो तीन ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, उन्हें एक्सचेंज करेंगे आपस में एंड आप उनको डिस्क्राइब करेंगे एटलीस्ट सेंटेंसेस में। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये क्या है, टीचिंग मटेरियल है, टीचर्स मटेरियल है, इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग है, रीलिया है या होम ऑब्जेक्ट्स है। तो ये क्या है जो रियल ऑब्जेक्ट्स है, ये रीलिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टीचिंग एड्स विच आर सेंटर्ड अराउंड सर्टेन स्किल्स सच एज रीडिंग लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, सच टीचिंग एड्स आर कॉल्ड एज स्किल बेस्ड टीचिंग एड्स, ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स, जनरल नॉलेज टीचिंग एड्स, या फिर साइंटिफिक टीचिंग एड्स। तो क्या टीचिंग एड्स है भाई जो कि रीडिंग लिसनिंग और प्रोनाउंसिएशन में हेल्प कर रहा है, तो ये एक ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड है। कौन सा, ऑडियो लिंगुअल, ठीक है, यानी कि सुनना और यहाँ पे रीडिंग शामिल है, प्रोनाउंसिएशन शामिल है, तो ये ऑडियो लिंगुअल एड है। नेक्स्ट है अ गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक शुड प्रीमियरली, एक अच्छे टेक्स्ट बुक को क्या होना चाहिए। फर्स्ट है मेंटेन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी एक मानक भाषा को मेंटेन करना, हैव कंटेंट्स इन डिडक्टिव ऑर्डर, एक निगमन तरीके से कंटेंट होना उसके अंदर, कंसिस्ट ऑफ यूनिक स्टोरीज, उसमें बहुत यूनिक स्टोरी होना चाहिए, या फिर वो प्रोवाइड करे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट्स को। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हमने क्या डिस्कस किया था कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को प्रोवाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट है एक टेक्स्ट बुक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद एवरीडे लाइफ टू बी यूज्ड इन द क्लासरूम, क्या बोला गया, कौन से ऑब्जेक्ट है जो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है, जिन्हें हम क्लासरूम में यूज करते हैं। तो हम डिस्कस कर चुके हैं रीलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल एड्स कैन बी यूज्ड इन लैंग्वेज फॉर, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज क्यों किया जाता है, कम्युनिकेशन, रिटेंशन, सेविंग टाइम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ऑडियो विजुअल एड का यूज हम इन सभी चीजों के लिए कर सकते हैं, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आप ऑडियो विजुअल एड का यूज करें तो कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, रिटेंशन करता है बच्चों की मेमोरी को एंड टाइम को भी सेव करता है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड, यानी कि ऑडियो विजुअल अगर टीचिंग एड का आप यूज कर रहे हैं तो कौन से प्रिंसिपल का ध्यान हम नहीं रखेंगे, प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन, सिलेक्शन या ऑब्जर्वेशन। तो क्या होना चाहिए एबीसीडी में से, तो हमें नॉट बताना है, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कोई प्रिंसिपल नहीं है। बाकी अगर आप टीएलएम का यूज कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन का ध्यान रखते हो, आप प्रिपेयर करते हो टीएलएम को, आप उसको प्रेजेंट करते हो क्लास में और आप सिलेक्ट भी करते हो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, तो तीनों ही प्रिंसिपल आते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। 10th क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, एक अच्छे टेक्स्ट बुक की विशेषता क्या नहीं है। फर्स्ट है एडिक्वेट सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल स्ट्रक्चर, सुटेबल वोकैबुलरी या फिर फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड वर्ड्स। सो क्या नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर मिसस्पेल्ड वर्ड्स नहीं होने चाहिए। मिसस्पेल्ड वर्ड का मतलब है कि गलत शब्द नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो जिनकी स्पेलिंग गलत हो। नेक्स्ट है सम क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम शुड इन्वॉल्व, अगर आप कोई चीज सिलेक्ट कर रहे हैं लैंग्वेज आइटम को, कोई भी आप कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या ध्यान रखोगे, वर्कशीट्स फॉर प्रैक्टिस, एवरीडे वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस, अ फोकस ऑन लैंग्वेज रूल्स या फिर लर्नेबिलिटी, कवरेज एंड टीचेबिलिटी। तो हमने क्या डिस्कस किया कि जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिलेक्शन किस आधार पे करेंगे, डी वाले के आधार पे करेंगे, यानी आप ये देखेंगे कि बच्चों की लर्नेबिलिटी कितनी है, क्या आप जो भी चीज सिखा रहे हैं क्या वो सीख पाएंगे, उनकी लर्नेबिलिटी है। कवरेज आप देखोगे कि वो कहाँ कहाँ उसको यूज करेंगे और आप उन्हें कैसे पढ़ाओगे, आपकी टीचेबिलिटी क्या है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एक अच्छे टीएलएम की क्या विशेषता होती है। फर्स्ट है द मटेरियल शुड हैव यूटिलिटेरियन वैल्यू, यानी उसके अंदर उपयोगिता होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो भी आप यूज कर रहे हैं टीएलएम को वो उपयोगी होना चाहिए बच्चों की लाइफ में, लाइट वेट होना चाहिए, सेफ और स्टर्डी होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। फेमिलैरिटी ऑफ टीएलएम विल हेल्प टू इंट्रोड्यूस न्यू कंसेप्ट, क्या जो टीएलएम है उसकी अगर वो पहले से बच्चों को फेमिलियर है तो क्या वो हेल्प करता है बच्चों को न्यू कंसेप्ट को सीखने में, तो ये भी करता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों ही हमारा राइट हो जाएगा, ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल्स आर इन फॉर्म ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स और आइडियल्स दैट मेक द कंसेप्ट्स वेरी क्लियर, तो आपको बता रहा है कि जो रियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है और जो आइडियल्स है जो कि कंसेप्ट को बहुत क्लियर करते हैं, कौन से मटेरियल होंगे, विजुअल होगा, तो विजुअल तो रियल होगा नहीं, ठीक है, केवल देख सकते हैं हम इनको, सराउंडिंग एनवायरनमेंट नहीं होगा, आईसीटी भी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा टेक्टाइल जो है, टेक्टाइल का मतलब है जो बच्चा टच कर रहा है, जो उसको देख रहा है, उसको फील कर रहा है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे इफेक्टिव लर्निंग किससे होगी, टेक्टाइल से होगी। नेक्स्ट है, मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज, सबसे इफेक्टिव टीचिंग एड क्या है, नॉन प्रोजेक्टेड है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रोजेक्टेड एड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर सबसे इफेक्टिव जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, जो बच्चा एक प्रत्यक्ष जो अनुभव ले रहा है, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव सबसे अच्छा है। नेक्स्ट है, द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड डिपेंड्स लार्जली ऑन दी, अब आपको पता नहीं कि टीएलएम को जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप किस चीज के का ध्यान रखेंगे, एज को ध्यान में रख करके करेंगे, इंटरेस्ट को बच्चों के, एज और मोटिवेशन को, या फिर एजुकेशनल लेवल और एज और एज ऑफ स्टूडेंट्स को, चारों ऑप्शन आपस में बहुत सिमिलर हैं, लेकिन सबसे अच्छा आपको बताना है कि अगर आप टीएलएम को सिलेक्ट कर रहे हैं कि आपको क्या पढ़ क्या ले जाना है तो आप क्या देखेंगे, आप उनका लेवल देखोगे पहले तो, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन, ओनली एज को नहीं देखेंगे हम, ओनली इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे, एज और मोटिवेशन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे उनका लेवल क्या है, वो कौन से स्टैंडर्ड में, वो फर्स्ट में है, वो फिफ्थ में है या वो एट्थ में है, वो किस क्लास में है, उसके अकॉर्डिंग आप टीएलएम को सिलेक्ट करोगे और उनकी एज के अकॉर्डिंग आप देखोगे, तो लेवल और एज जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो विजुअल एड यूज्ड बाय टीचर, आपको बता रहे हैं इसमें से कौन सा ऑडियो विजुअल एड नहीं है, ठीक है, टेलीविजन, फिल्म, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस या फिर ग्राफ्स। तो हमने डिस्कस किया था कि जो ग्राफ है वो कोई ऑडियो विजुअल एड नहीं है, ये हमारा प्रिंटेड मटेरियल है जो कि विजुअल के अंदर आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाय ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स
यहाँ पे फायदा बताना है बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स क्या होता है. स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव इन क्लासरूम, टीचर्स बिकम एक्टिव, टीचिंग लर्निंग टीचिंग बिकम्स इफेक्टिव, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो देखो, अगर आप ऑडियो विजुअल का यूज कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, टीचिंग भी बहुत इफेक्टिव हो जाती है, और कहीं ना कहीं टीचर भी अपनी टीचिंग में एक्टिव रहता है. तो ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे. टीचर भी अगर TLM का यूज कर रहा है तो वो भी एक्टिव रहता है, बच्चे भी एक्टिव है और इफेक्टिव होती है लर्निंग बहुत ज्यादा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड इज नॉट विजुअल एड. कौन सा विजुअल एड नहीं है? स्लाइड्स, फिल्म, ब्लैक बोर्ड या फिर चार्ट. तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, फिल्म जो है वो कोई विजुअल एड नहीं है, ये हमारे ऑडियो विजुअल एड का पार्ट है. ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नीड फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. TLM की नीड क्या है, क्या जरूरत है? फर्स्ट है, लर्निंग ऑफ न्यू कंसेप्ट बिकम इजियर. इससे जो है TLM से इजी हो जाता है नया कुछ सीखना, तो बिल्कुल ठीक है. दे आर नीडेड फॉर इफेक्टिव सेल्फ लर्निंग इन मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल सिचुएशंस. दे प्रोवाइड वाइटल हेल्प टू टीचर्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर देयर क्लासेस. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट वन. तो यहाँ पर तीनों चीजें जो है, तीनों बातें बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि हम नए कंसेप्ट को भी सिखा सकते हैं और ये टीचर के लिए बहुत अच्छा है क्लास को मैनेज करने में किसी भी लेवल में, और यहाँ पे बच्चों की सेल्फ लर्निंग में भी ये एक बहुत योगदान देता है. तो बी इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचिंग एड. पहला है, इट शुड बी वेरी स्मॉल, इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी इजिली पोर्टेबल, या फिर इट शुड बी अप टू डेट. तो हमने डिस्कस किया था कि भाई स्मॉल नहीं होना चाहिए. ठीक है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर. बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हर बच्चा उसको इजिली विजिबल हो, देख सके. नेक्स्ट है, व्हाइल सिलेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग मटेरियल अ टीचर शुड टेक केयर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट. TLM को सिलेक्ट करते समय एक टीचर को क्या ध्यान में रखना चाहिए? प्राइस को, प्रैक्टिकलिटी को, टीचर्स एबिलिटी को, या ऑल ऑफ दीज को. तो देखो, सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए उसकी प्रैक्टिकलिटी को. ठीक है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका ध्यान टीचर को रखना चाहिए कि उपयोगिता क्या है. ठीक है, उसकी वो कितना यूजफुल रहेगा, वो चीज ध्यान रखना चाहिए. यहाँ पे टीचर की एबिलिटी का कोई काम नहीं है कि टीचर अपनी क्षमता को देख के लेगा TLM, ये गलत है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सारा डी नहीं होगा, बी होगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मतलब जो TLM है उसका क्या एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. फर्स्ट है, सेव टाइम एंड एनर्जी, तो बिल्कुल ठीक है. मेकिंग लर्निंग परमानेंट, ये भी ठीक है. सेव पेपर, या फिर प्रेवेंट इनडिसिप्लिन, तो ये भी हो सकता है, लेकिन सी वाला नहीं होगा. ठीक है, सी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि ये पेपर को सेव करता है. बाकी टाइम को सेव करना, एनर्जी को सेव करता है, लर्निंग को परमानेंट बनाता है, और जो बच्चे इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं उस चीज को ये मैनेजमेंट में हेल्प करता है. तो सेव पेपर इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन. अ टीचर शुड यूज टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम फॉर. टीचर को क्यों यूज करना चाहिए? पहला है, एक्सप्लेनिंग अ डिफिकल्ट कंसेप्ट. कोई कंसेप्ट ऐसा है जो डिफिकल्ट है, उसको समझाने में यूज करना चाहिए. रिवाइजिंग द ओल्ड कंसेप्ट्स, स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनएक्सप्लेन्ड कंसेप्ट, या फिर ऑल. तो एक टीचर को TLM को कब यूज करना चाहिए क्लासरूम में, ये सभी सिचुएशन में टीचर यूज कर सकता है. ठीक है, ऐसी कोई चीज जो डिफिकल्ट है सिखाना, तो एक टीचर मॉडल ले जा सकता है उस चीज को बताने के लिए. ओल्ड कंसेप्ट को रिवाइज करने में यूज कर सकता है, और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में भी कर सकता है जो चीजें उन्हें नहीं आती है या जो उन्होंने नहीं सीखी है. तो यहाँ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है. हमने 23 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर डिस्कस किए, साथ के साथ हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी TLM के रिगार्डिंग उनको कवर किया. आप इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, वहां पर आप इसको जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको यह बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे सारी चीजें. मतलब याद तो नहीं करना है, लेकिन आप समझ जाएंगे. ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो. सब्सक्राइब करना चैनल को पहली बार हो तो बेल आइकन को प्रेस करना जरूर, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले. ओके, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में. कोई भी फीडबैक अगर आपको देना है तो आप भी प्लीज फीडबैक दीजिएगा. ठीक है, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जरूर देना कैसा लगा आपको सेशन. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट
सेशन में। थैंक यू।